हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, सिर्फ के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें, ये बिकरू गांव है जो कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का गांव है। आपको बता दें कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए हमारे पुलिसकर्मी गए थे, लेकिन वहां पर मुठभेड़ के दौरान हमारे 8 जवान शहीद हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा, खौफनाक है ये और शर्मनाक भी कि जो पुलिस एनकाउंटर करते हैं, आज बदमाशों ने पुलिस का एनकाउंटर कर दिया, तो ये एक शर्मनाक है खबर है। और बता दें कि हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कह दिया है कि बदमाश कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढ निकालेंगे और हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिकरू गांव की हैं ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर। दोपहर तक सीएम योगी को रिपोर्ट तलब करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। बता दें कि जिस छत से फायरिंग की गई थी, वहां पर AK-47 के खोखे भी मिले हैं। लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, आसपास के जो गांव हैं वहां पर लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी गई है बदमाशों को कि वो खुद से सरेंडर कर दें। और ये आपको बता दें कि ये शीतर विकास दुबे का घर है ये, और विकास दुबे से जुड़े एक ये भी खबर आई कि जो विकास दुबे की नौकरानी थी उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे का घर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। तमाम आला अधिकारी, पुलिस फोर्स, एसटीएफ टीम सब मौके पर मौजूद है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर मौजूद है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की दादा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ के न्यूज पर। के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बता दें कि तमाम अधिकारी मौजूद हैं, हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं, और पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम उनका किया जा रहा है। जैसे कि आपको पहले जो तस्वीरें दिखाई थी, फिर डीएम ब्रह्मदेव तिवारी वहां पर मौजूद थे, सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौजूद थे, और ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिकरू गांव है जो कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का गांव है, और विकास दुबे को लगातार पुलिस अब तलाश रही है। बता दें कि एक जाना माना हिस्ट्री शीटर रह चुका है विकास दुबे, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसके साथियों ने के साथ मिलकर उसकी पूरी गैंग बना रखी है उसने, और कहीं ना कहीं नेताओं का भी संरक्षण अब सामने आ रहा है कि उसको नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, खुद वो पहले प्रधान भी रह चुका है। बता दें कि विकास दुबे का जो इतिहास रहा है वो बेहद ही खौफनाक रहा है। 14 साल की उम्र में ही उसने पहली हत्या करी थी, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे एक जाना माना हिस्ट्री शीटर है जिसपे कई मुकदमे दर्ज है। 2001 में संतोष शुक्ला कि उसने हत्या कर दी थी, जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद उसको बरी भी कर दिया गया था, जिसके बाद वो ऐसे खुलेआम घूम रहा था। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू क्या कुछ